हेलो दोस्तों, दिस इज मनोज और आप देख रहे हैं माहिर आर्ट्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने ज्योमेट्रिकल शेप्स की मदद से बेसिक एनाटॉमी को इजी तरीके से बनाते हुए लक्ष्मी जी की प्रतिमा को बनाने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। मैंने इसमें मॉडलिंग के लिए वैक्स का इस्तेमाल किया है। आप अपनी अवेलेबिलिटी के अनुसार किसी भी सिंथेटिक क्ले या फिर नेचुरल क्ले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने कुछ ज्योमेट्रिकल शेप्स बना लिए हैं जिनका डायमेंशन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। ये डायमेंशन हमने 9 इंच की कलाकृति के हिसाब से दिया हुआ है। अगर आप इससे बड़ा या छोटा स्कल्पचर बना रहे हैं तो उसी हिसाब से आप साइज को भी घटा या बढ़ा लीजिएगा। इन्हीं आकारों को आपस में जोड़ते हुए हम अपनी कलाकृति को तैयार करेंगे। हम सबसे मोटी वाली दोनों कॉइल्स का पैर बनाने के लिए उपयोग करेंगे। इन्हें 2 इंच पर मार्क करते हुए मोड़ लेंगे। और पैर के पंजे को बनाने के लिए 2 छोटी छोटी कॉइल्स भी बना लेंगे जिनका डायमेंशन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। अब टॉर्सो के लिए बने हुए क्यूबॉइड के ऊपरी हिस्से पर ओवल शेप बना लेंगे और इसके बाहरी हिस्से को कट कर लेंगे। अब इसको 3 बराबर पार्ट में डिवाइड करते हुए लाइनिंग कर लेंगे। इसमें नीचे की लाइन पर नाभि आ जाएगी और ऊपर वाली लाइन हमारी चेस्ट की लाइन होगी। पैर के ज्वाइंट वाले हिस्से को कुछ इस प्रकार से कट कर लेंगे। अब दोनों तरफ से लाइनिंग करते हुए कुछ इस प्रकार से कट कर लेंगे जिससे कि ऊपर का हिस्सा पतला हो जाए। निचले हिस्से पर वैक्स लगाते हुए इसकी वेर्थ को बढ़ा लेंगे। अब इन्हें आपस में जोड़ देंगे। हाथ के लिए बनी हुई कॉइल्स पर मोटाई की तरफ से 2 इंच पर तथा दूसरी तरफ से 1 इंच पर मार्क कर लेंगे और इसे मोड़ते हुए कंधे से जोड़ लेंगे। एक स्फीयर के ऊपर कॉइल को पेस्ट करते हुए कुछ इस प्रकार से कलश बना लेंगे। अब हेड बनाने के लिए इस क्यूबॉइड के ऊपरी हिस्से पर 1/2 इंच का रेडियस लेकर के एक सर्कल बना लेंगे और साइड की तरफ अंडाकार आकृति बनाते हुए इसके बाहरी हिस्से को कट कर लेंगे। फ्रंट पर दोनों तरफ से कट करते हुए कुछ इस प्रकार से तिकोना आकार बना लेंगे। इस प्रकार से हमारी कलाकृति का बेसिक स्ट्रक्चर लगभग तैयार हो चुका है। दोस्तों, यदि आप बिगनर हैं और आपको ह्यूमन एनाटॉमी का बेसिक्स बनाने में दिक्कत आती है तो आप इस नियम को फॉलो करते हुए बेसिक्स को बना सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप पहले से कुछ बेहतर बना पाएंगे।
दोस्तों किसी भी कलाकृति को निर्मित करते समय शुरुआत में हमें बेसिक्स एनाटॉमी पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, डिटेलिंग और बाकी की चीज़ों को सेकेंडरी रखना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे स्कल्पचर में बेसिक्स एनाटॉमी ही ठीक नहीं होगी तो हम हमारे स्कल्पचर को कितनी भी डिटेलिंग कर लें हमारी कलाकृति ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगेगी। इसीलिए मैंने शरीर को अलग अलग ज्योमेट्रिकल शेप्स में डिवाइड करके इजी तरीके से निर्मित करने का प्रयास किया है ताकि आपको बेसिक्स बनाने में और समझने में सुविधा हो। दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने बुद्धा का स्कल्पचर निर्मित किया है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, लिंक पर क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। संभव है कि आपको इस प्रोसेस को समझने में और मदद मिले। पीछे की तरफ और वैक्स ऐड करते हुए बालों को और लंबा कर लेंगे। छोटे छोटे स्फीयर को फ्लैट करके स्वर्ण मुद्राएं निर्मित कर लेंगे और उसे कलश में भर देंगे। पहले बनाए हुए दोनों हाथों की तरह बाकी के दो हाथ भी कॉइल्स की मदद से बना लेंगे और उनकी डिटेलिंग कर लेंगे। अब इन दोनों हाथों में भी ज्वेलरी पहना देंगे। इसी प्रकार से कान के लिए भी ज्वेलरी बना लेंगे और उसे कान के ऊपर जोड़ देंगे। दोस्तों इसके निचले हिस्से को और भी अट्रैक्टिव बनाने के लिए पैरों को पास में कर लेंगे और कपड़े को ट्रेडिशनल लुक देते हुए मॉडलिंग कर लेंगे। पैर की उंगलियों को बनाते हुए डिटेलिंग कर लेंगे। अब हम इसे फिनिश करते हुए कुछ लाइंस की मदद से सिंहासन और अन्य चीजों को डेकोरेट कर लेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारी कलाकृति लगभग तैयार हो चुकी है।
इसकी फ्रेमिंग करते हुए कुछ इस प्रकार से हम इसे और भी अट्रैक्टिव बना सकते हैं। दोस्तों, यदि आपका इस वीडियो पर कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और यदि आपको मॉडलिंग का ये तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को भी हिट कर दें, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस के अपडेट आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।